चलो राम राम नमस्कार। हमें देवन आपको बता दें, आज हम तहसील पे मौजूद हैं, वार्ड नंबर 53। 53 से पंडित राहुल मिश्रा जी ने जबरदस्त एंट्री शुरुआत कर चुकी है पार्षद प्रत्याशी के रूप में। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं और भाजपा ही से टिकट मांगने को काम कर रहे हैं। आज बता दें, आज प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए थे, आज उन्होंने पूरा अपने वार्ड के अंदर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी। जिस तरीके से सम्मान समारोह आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जी को करो है यार, तहसील पर आकर तहसील कार्यालय पर आकर, तो इसी तैयारी के साथ इन्हें आशा विश्वास है कि भाजपा इनको जिम्मेवारी दे और टिकट देने का काम करे। अब देखने वाली बात है कि इससे पहले क्या वास्तव में पंडित हमारे बीच में मिश्रा जी ने अपने वार्ड के अंदर राहुल जी ने काम कराने क्या क्या काम कराए, क्या क्या समाज सेवी करा, राहुल भैया खुद बताएं। राहुल भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, सभी को दर्शकों को नमस्कार मेरा। जब कब से जुड़े पार्टी में? पार्टी में 2008 से सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ पूर्ण रूप से। बिना पार्षद के कालोगन के बीच में सेवा करी? बिना पार्षद के मैं अपने क्षेत्रवासियों के में बीच में हमेशा रहा हूं और रहता हूं, पूर्ण प्रयास करता हूं। भले मैं सभासद नहीं रहा, मगर मैंने अपने क्षेत्रवासियों को परिवार की तरह देखा और परिवार की ये कार्य किया। एंट्री आपने बहुत लेट मारी, जो जाको कावस है। अरे एंट्री तो ये है कि ठीक है, समाज सेवा का कार्य कर रहे थे, सोचा मन में आया, जनता का रुझान मिला हमें, क्षेत्रवासियों ने हमें आश्वासन दिया कि आप आइए, हम आपको अपना नेतृत्व देंगे। इस बात को लेकर मैं आया सभासद के लिए। आज आपके घर के बगल में प्रदेश अध्यक्ष साहब आते, किसी का सम्मान उनको करवा? मैंने भरपूर सम्मान किया, माननीय है वो, पहली बार वीरभूमि झांसी में पधारे, उनका हृदय से स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। वार्ड में काका किल्लत उनको देखा तो भाई चुनाव लड़ रहे हैं आप? वार्ड में एक तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, रोडों की समस्या ज्यादा है, साइड में एपेक्स की व्यवस्था खराब चल रही है, लाइट के खम्भों पर तार ज्यादा रहते हैं और लाइट की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीबों को पेंशन की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही, विधवाओं को भी नहीं मिल पा रही। हमारे बगल में मालिन बस्ती भी है, उनकी सारी बहुत काफ़ी समस्याएं हैं जो नहीं पूरी हो पा रही हैं। उनका मुद्दा लेके हम आज प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो हम उनकी पूर्ण व्यवस्थाएँ करेंगे, उनका विधवा पेंशन, राशन कार्ड, राशन मिलना, अनेक जो भी बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं वो उनको हम पूर्ण रूप से कराएंगे और उस पर खरे उतरेंगे। जनसंपर्क चालू है का नहीं? जनसंपर्क पूर्ण रूप से चालू है, घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहा हूँ और घर घर की समस्या सुन रहा हूँ। जनता रुझान का बता रही? जनता का रुझान तो प्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है हमें और विश्वास है पूर्ण रूप से कि रुझान अच्छा ही आएगा। अच्छा, और ये सवाल हो रहा है, जिस तरीके से आपने किल्लत बताई, पानी की समस्या, जी समस्या है, इनके बाद अगर जो निगम की जमीन आपके बारे में है सरकारी, कौन गरीब हो वहाँ पर काम को प्लान बना हो आपने की वजह बन गए, जनता ने चुन ला तो बस सरकारी जमीन का जो बना दे जिससे कि लागू हो, अगर बाढ़ की जमीन निकलेगी नगर निगम की तो उस पर पूर्ण रूप से कोई अच्छा कार्य ही किया जाएगा जो जनता के हित में होगा और हमारे बाढ़ के हित में होगा। जैसे आबादी और वोटिंग देखे जाएगा लगभग इस वार्ड में 7,000 के करीब आबादी वोटिंग है, आबादी ज्यादा होगी, आबादी ज्यादा है, वोट पड़त कम हुई, वोट कम पड़ते हैं, रीजन का है, कहानी पड़ा जागरूकता अभियान नहीं चलाओ, क्योंकि क्या है इस वार्ड में सिविल लाइन लगता है, सब उच्च लोग के व्यक्ति रहते हैं, काफी लोग वोट डालने मतदाता करने आते नहीं है, ये उनकी भूल है, उन्हें मतदाता करना चाहिए, मतदान करना उनका अधिकार है, पर क्या है ऐसा क्या है रुझान उनका समझ में नहीं आता है। मगर समय भी आज मैसेज दे दो कि भैया जनता घर से निकले, मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपना मत अवश्य दें, मत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके नेतृत्व से ही एक नेता की छवि बनती है, अच्छी छवि बन के उभर के आती है। तो कौन कौन सा मोहल्ला लगा तहसील में आपके बाद? अपने मोहल्ले में वार्ड नंबर 53 में तहसील के पीछे आता है, कॉपरेटिव बैंक के पीछे आता है, कुंज बिहारी कॉलोनी आती है, चंद विहार कॉलोनी आती है, हाथी खाना आता है, माननीय सांसद जी का भी क्षेत्र लगता है, माननीय विधायक जी का भी लगता है, जो 3 बार विधायक है और उनका भी पुराना क्षेत्र है ये, और सांसद जी का भी क्षेत्र यही है। भाजपा पार्टी कितने विश्वास जता रही है आपको? जाना भारतीय जनता पार्टी से हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें नेतृत्व देगी उस पर पूर्ण कार्य करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ मैं, और जो सर पार्टी मुझे देगी उस नेतृत्व में कार्य करूंगा। और ये पार्टी ने और का टिकट दे दिया बन मुझ तो कहा आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगा नहीं लड़ोगे? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, मैं तो पार्टी के नेतृत्व में लड़ूंगा, पार्टी जिसको भी देगी उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जनता से कब के वो चाह रहे कि लोग आपको जुड़े और आपके आशीर्वाद? मैं तो जनता से अपने क्षेत्रवासी से यही कहूंगा कि अपना प्रेम मुझ पर बनाए रखें, मैं पार्टी का सच्चा प्रेमी हूं। जैसे पंडित राहुल मिश्रा साहब जो कि आज बता दें जबरदस्त एंट्री शुरुआत कर दी वार्ड नंबर 53 के अंदर, तहसील के अंदर अनेक मोहल्ला आज जो कि सांसद जी को भी मोहल्ला लगा थी, एक छोटे से विधायक जी को लगा, क्या वाली बात है कि अच्छी खासी वोटिंग है जहां वार्ड में। अब जनता से एक निवेदन है कि मतदान अवश्य करने जाए क्योंकि मतदान सबसे बड़ा हक है। देखने वाली बात है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पंडित राहुल मिश्रा जी को कितना
सपोर्ट और विश्वास के साथ इनको जिम्मेवारी देने का काम करेंगी और जनता के ऊपर कितना भरोसा है कि आखिरकार क्या जनता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से टिकट जिसको मिलेगा उसको सफल बनाने का काम करेगी। अब देखने वाली बात है कि जनता कौन सा गद्दी पर बैठाने का यहाँ पर पास गद्दी बैठाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी नमस्कार।